तो जैसे आप प्यूबर्टी की एज में आते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से आपका इंटीमेट पार्ट डार्क होता चला जाता है, या फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रखती हैं जिसकी वजह से उनका पार्ट डार्क होता चला जाता है, या फिर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बिल्कुल टाइट कपड़े पहनती हैं, पसीना आता है, बदबू आती है, आपके जो कपड़े हैं वो आपकी स्किन के साथ ऐसे रगड़ खाते हैं जिसकी वजह से आपका जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां बरतेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने पार्ट को अपनी स्किन के जैसा ही गोरा बना सकते हैं। इतना गोरा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, एक बात मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत बार, अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको लेमन लगाना चाहिए, आपको नमक लगाना चाहिए, आपको कोलगेट लगानी चाहिए, आपको ऐसे भी चीज़ें लगानी चाहिए आपके पार्ट पे, तो ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। वहाँ की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और आपको बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको कुछ लगाना ही है तो आप नेचुरल चीज़ें लगाइए ना, भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी नेचुरल चीज़ें दी हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्पेशली पीएच लेवल को मेंटेन में रखती हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती हैं और आपकी स्किन को फेयर बनाती है। जैसे कि आज के जो इंग्रेडिएंट्स मैं शेयर करने जा रही हूँ वो बिल्कुल नेचुरल हैं और बिल्कुल चुटकियों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना है, देखने के बाद ही सही लेकिन शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए। तो पिछली जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पार्ट से गंदे वाली स्मेल आती है तो आपको क्या करना है। वीक में एक बार फिटकरी लेनी है, उसको पानी में डालना है और उस पानी के साथ आपको अपना पार्ट साफ करना है, सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दिन में एक बार एक कटोरी दही आपको जरूर खाना है, आप सुबह खा सकते हैं, लंच में, डिनर में तो खाते नहीं है दही, तो दो टाइम आप कभी भी एक कटोरी दही ले सकते हैं। दही से क्या है, वहाँ पे जो गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं और आपका जो पार्ट है वो हेल्दी रहता है। अब बात करते हैं कि आप उसको फेयर कैसे बना सकते हैं अगर डार्क हो चुका है। दो चीज़ें बताऊँगी, पहला है स्क्रब और दूसरा है जेल, दोनों आपको ट्राई करना है। तो स्क्रब बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको चावल भिगो के रख देने हैं रात को और सुबह उठकर उसको मिक्सर ग्राइंडर में घुमा लेना है, फिर आपको उसके अंदर डालना है एलोवेरा जेल और फिर थोड़ा सा आपको बादाम का ऑयल उसके अंदर डालना है और ये बनके तैयार हो गया आपका स्क्रब। इसे आपको वीक में 3 दफ़ा करना है। जब भी आप नहाने जाते हैं तो इसे अपने पार्ट पे अच्छे से मसाज करनी है, 5-10 मिनट तो आपको लगाने ही लगानी है। अगर 10 मिनट नहीं लगाएंगे तो आपका पार्ट साफ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो 3 बार आपको ये करना है, आप देखेंगे कि आपका जो डेड स्किन है, जो गंदे वाली स्किन जम चुकी थी, मोटी की मोटी लेयर जो जम चुकी थी, वो धीरे धीरे करके एकदम से नहीं निकलेंगी, धीरे धीरे करके वो बिल्कुल निकलना स्टार्ट हो जाएगी और आपका पार्ट फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सीरम, सीरम क्या करता है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन से डार्कनेस को भगाता है और डार्क होने से भी बचाता है। सीरम बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें चाहिए, एक है एलोवेरा जेल और दूसरा है कुकुम्बर जूस, खीरे का जूस। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके आपको इसे दिन में 2 बार लगाना है, एक तो सुबह जब आप नहाने जाते हैं तब लगाना है, एक आप जब रात को सोने जाते हैं, पार्ट को अच्छे से आपको साफ करना है पानी के साथ और इसकी मसाज करके आपको सो जाना है। इसको पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ भी आपको इसे वॉश नहीं करना है, लगे रहने देना है। जो कुकुम्बर होता है वो आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है, स्किन को फ्रेश करता है, स्किन से डार्कनेस को दूर करके ब्राइटनेस को बढ़ाता है। तो ये जो सीरम है ये बड़े कमाल का सीरम है। जो स्क्रब है वो आपको 3 बार करना है, सीरम आपको हर रोज़ 2 टाइम जरूर लगाना है और आप देखेंगे कि आपका जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके उसका जो नेचुरल कलर होता है, जब आप जन्म लेते हैं जिस टाइम पे जो आपको नेचुरल कलर होता है वो वाला कलर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा आपका फेस का कलर है वैसा तो गोरा नहीं होने वाला है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने पार्ट का ख्याल रखेंगे और टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। लेकिन जब भी आपके इंटीमेट एरिया की बात आती है आपको सिर्फ नेचुरल चीज़ें ही यूज करनी है, अगर उनसे गर्म जो चीज़ें होती हैं उनका यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ अगर बैठ सकती वीडियो में, तो लोग पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।